बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते ही रहते हैं। इस बीच एक चैनल में बहस के दौरान बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने तीखा विरोध जताया है। बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता आए दिन टीवी चैनलों पर बहस के दौरान उलझुल बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक चैनल में डिबेट के दौरान पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। मालवीय का बयान था कि कांग्रेस भले इन नेताओं को शहीद कहती रहे, लेकिन इन राजनेताओं की जान उनके राजनीतिक फैसलों की वजह से गई है। मालवीय के बयान का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मालवीय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी नेता का बयान घिनौना और शर्मनाक है, और अगर पीएम में थोड़ी सी भी शालीनता बाकी है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेते हुए अमित मालवीय को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इन शहीदों ने जो एकमात्र राजनीतिक निर्णय लिया था वो भारत के लिए जीना और मरना था। बीजेपी के लोग इस भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्या हमें बीजेपी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता के और सबूत चाहिए? आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने कांग्रेस के दिवंगत नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट।